नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता होगा, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्राइम वॉलीबॉल लीग को एफिलिएशन देने से मना कर दिया है, और मेरे को ये तक भी सुनने में आ रहा है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है प्लेयर्स को धमका रही है ये कहकर कि अगर आप इस लीग में हिस्सा लेते हैं, अगर आप इस लीग में खेलते हैं तो आप लोगों के नेशनल तो क्या स्टेट तक के भी सिलेक्शन नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? ये सारी बात शुरू होती है 2019 से। 2019 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बेसलाइन वेंचर, जो कि एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजिंग फर्म है, इन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों ना हम भी प्रो कबड्डी की तरह एक वॉलीबॉल की प्रीमियर लीग स्टार्ट करें। इस लीग का एम वॉलीबॉल और वॉलीबॉल के प्लेयर्स को एक्सपोजर दिलाना था और साथ ही रेवेन्यू जनरेट करना था। इसी एम को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2019 में प्रो वॉलीबॉल लीग का फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ। इस लीग को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, इसकी टीवी व्यूअरशिप बहुत अच्छी रही, स्टेडियम खचाखच भरे रहे, लोगों ने इस लीग को बहुत प्यार दिया। चेन्नई स्पार्टन्स फर्स्ट सीजन की विनर भी रही। अब जब हमें लग रहा था कि इस देश में वॉलीबॉल का सच में कुछ अच्छा होने वाला है, उतने में ये खबर सुनने में आती है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बेसलाइन वेंचर के साथ अपने 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, ये कहकर कि बेसलाइन वेंचर ने वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ पैसों का कुछ डिस्प्यूट करा है, कुछ घपला करा है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से बेसलाइन वेंचर को बहुत घाटा होने वाला था, क्योंकि बेसलाइन वेंचर अपने काफी पैसे इस लीग को कंडक्ट कराने में लगा चुका था। मजबूरी में आकर बेसलाइन वेंचर ने इस मामले को कोर्ट में ले जाना ठीक समझा। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हुई, और जांच में ये पाया गया कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो दावे थे बेसलाइन वेंचर के खिलाफ, वो सारे झूठे हैं। बेसलाइन वेंचर ने वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक रुपए का भी फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं किया, और कोर्ट ने बेसलाइन वेंचर की तरफ फैसला सुनाते हुए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को 4.5 करोड़ रुपए एज अ कंपनसेशन देने का फैसला सुनाया। अब आ जाते हैं 2021 पर। सब लोग ये कह रहे थे कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बिना प्राइम वॉलीबॉल लीग कंडक्ट नहीं हो पाएगी, पर प्राइम वॉलीबॉल लीग को उसके सारे स्पॉन्सर्स मिल गए हैं, उसकी सारी टीम्स मिल गई हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है, और तो और सोनी टीवी ने इसके सैटेलाइट राइट्स भी खरीद लिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सारे मैचेस लाइव देखने को मिल सकते हैं सोनी चैनल पे। आपको क्या लगता है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ये जो कर रही है वो सही है या गलत है? मेरी नज़र में तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि फेडरेशन और बेसलाइन वेंचर की इस लड़ाई में असली जो नुकसान है वो सिर्फ प्लेयर्स का हो रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है इस मामले को लेके, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो।